जो एसटेट का रिजल्ट आया है, सारे अभ्यर्थी, लगभग अभ्यर्थी जो जिन लोगों का क्वालिफाइड दिखा रहा है, वो लोग परेशान है कि कितने अभ्यर्थी किस विषय में किस तरीके से मतलब पास हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सोशल साइंस में दिखाया जा रहा है कि वो पास हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो क्वालिफाइड दिख रहा है यानी पास है, क्या वो लोग इलिजिबल हैं, आगे जो भी वैकेंसी आती है उसमें किस तरीके से होगा। देखिए, जो विज्ञापन था स्पष्ट लिखा हुआ था कि जितना सीट है उतना ही आपको रिजल्ट देना है, और ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को लेटर के द्वारा भी माध्यम से पोस्ट किया था, और आप देख सकते हैं फेसबुक पर मैंने वो डाला भी है, बिहार वर्किंग कमेटी जो ग्रुप है हम लोग का फेसबुक पे, उस पर मैंने वो लेटर डाला भी है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितना सीट है उसी के बराबर बिहार बोर्ड को रिजल्ट पब्लिश करना है। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि हाँ, मतलब कोई लोग सोच रहा है कि हाँ 75 नंबर पे क्वालिफाई कर गया, तो आप सोचिए कि सोशल साइंस में 75 नंबर पे क्वालिफाई करना, यानी उतने लड़के मिले नहीं उनको, सीधी सी बात है, जो लड़के मिले 75 से ऊपर क्वालिफाई, उतना सीट था उतने लोग क्वालिफाई कर गए, सीधी सी बात है। इसमें कोई ये वाली बात नहीं कि हाँ, आप नॉर्मलाइजेशन का भी जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत लोग का मार्क्स घट भी तो गया। मान लीजिए जिनका 75 था पारे सपोर्ट, नॉर्मलाइजेशन जब हुआ उनका शिफ्ट में, अगर इजी शिफ्ट हुआ तो पता चला कि 10-20 नंबर उनका कम हो गया, तो आगे तो वो तो चले गए नॉर्मलाइजेशन का कारण पीछे चले गए। इस कारण से रिजल्ट जो है जेन्युइन है, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट है, जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मेरी बातचीत है, और जितना मेरी जानकारी है और अभी तक आप देखे होंगे जितना जानकारी मैंने दिया है वो ऑलमोस्ट सही हुआ है, चाहे वो केस के संदर्भ में हो चाहे रिजल्ट के संदर्भ में हो, सारी चीजें सही हुई है, आप देखे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि मान लीजिए आपने कहा कि 10-20 नंबर कम ज्यादा हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, यानी इजी शिफ्ट हुआ है कि 10 नंबर कम है, लेकिन यहाँ तक देखा गया है कि 10 नंबर आपका माइनस में भी जाके दिख रहा है, तो ये माइनस में इसलिए दिख रहा है ना कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई किया गया, ठीक है। हाँ, और उस फॉर्मूला के अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आया वो निगेटिव वैल्यू आ गया। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप किसी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, और उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जा रहा है 50 और आपका जो है नंबर आ रहा है 20, यानी आप उस शिफ्ट के एवरेज परसेंटेज से 30 कम हो गए हैं, इस कारण से जो मार्क्स आपका होगा उसमें माइनस 30 कर दिया गया है। मतलब ये है ना कि आप ज्यादा क्वेश्चन, जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं इसलिए उनका माइनस में जा रहा है। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, और दूसरी बात है कि उनके शिफ्ट में इजी शिफ्ट मिला उनको, और इजी शिफ्ट मिलने के बाद भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए उनका माइनस में चला गया। ये जो रिजल्ट आया है, फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला होने के बाद मार्क्स को डिक्लेयर करते हैं, चार अंकों तक देखे होंगे मार्क्स आपको दिया जा रहा होगा। अच्छा, एक चीज ये एक चीज और है कि ये जब रिजल्ट आया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आया है कि जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह, बिल्कुल वैसे ही आया है। जनरल में तो आपको जितना टॉप रैंक कर रहा है जनरल में है। हाँ, तो इसीलिए जो है कि कैटेगरी में जो ओबीसी भी है और सोशल साइंस है, और उनका अगर उस कैटेगरी में 69 और 68 मार्क्स आ रहा है तो क्वालिफाई है। हाँ, बिल्कुल क्वालिफाई। अगर इतना ही मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी, मैं आपको एक देखिए, मैं आपको जीपी से बात बता रहा हूँ, टोटल सीट था आपको हाई स्कूल में जो सीट था वो 25,000 था, आपने सुना ही होगा 25,270 तीन विषय का रिजल्ट रोका गया है, आपको साइंस का 5,054 सीट है, 1,000 कुछ है सीट आपका संस्कृत का, और 1,000 यानी ऑलमोस्ट 7,000 सीट का रिजल्ट रोका गया है, 7,160। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, देखिए टोटल सीट जो है कुल योग है पूरे सीट का 25,270 है, जिसमें विज्ञान का 5,054 है, और आपका संस्कृत का 1,054 है, उर्दू का 1,000 है, ये देखा जाए तो टोटल हो जाते 7,108 है, 7,108 है, तो इसको बाकी घटा लीजिए उसमें उतना। हाँ, तो वो टोटल हो रहे 18,162, यानी जो रिजल्ट जो घोषणा हुआ है वो टोटल है 18,162, लेकिन देखा जाए रिजल्ट हम लोग का तो पेपर वन में 16,000 नहीं हुआ है, रिजल्ट जितना सीट है 18,162 हो रहा है, कि बहुत सारे ऐसे विषय है जिसमें मिनिमम कट ऑफ जो क्वालिफाई मार्क्स का था वो लोग भी लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो सीट रिक्त रह गया है, सीट रिक्त रह गया, और वो मुझे लगता है कि वो विषय आपको गणित ही होगा,
इंग्लिश हो गया, ये दो विषय पर मुझे डाउट है। गणित और गणित और इंग्लिश ही होगा ये विषय, देखिएगा आज नकल वो जानकारी आएगी क्या इसमें है, लेकिन वो गणित और अंग्रेजी होगा जिसमें फिलअप नहीं कर पाया होगा, और ज्यादातर चांसेस अंग्रेजी का है, अंग्रेजी में रिजल्ट बहुत कम होता है, और गणित का पेपर टफ था, लेकिन आप देख रहे हैं टफ सिक्स्थ वाले दिन का रिजल्ट बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए आई डोंट थिंक कि गणित गणित में ज्यादा खाली गया होगा। आलोक सर, आलोक सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश में थे वो ज्यादा थे, और सीट भी है, सीट भी ज्यादा था, कम नहीं था सीट, 5000 10000 कुछ दिक्कत नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम परेशान नहीं कर पाए होंगे, इसलिए मान लीजिए 1500 सीट छूटा होगा उसमें, अब किस में छूटा है, अंग्रेजी में मेरे ख्याल से ज्यादा, मतलब मुझे मेरा आकलन है कि अंग्रेजी में ज्यादा छूटा होगा, अंग्रेजी में छूटा होगा, कुछ मैथ में भी छूटा होगा, कुछ मैथ में हो सकता है थोड़ा बहुत छूटा हो, 100-200 में कन्फर्म नहीं, बाकी विषय में मुझे लगता है कि सोशल में तो छूटने का कोई चांस ही नहीं है, फिर छूटने का हिंदी हो गया आपका, हिंदी में होगा नहीं मेरे समझ से, हिंदी में भी नहीं होगा, हिंदी में भी नहीं होगा, जो चांसेस है अंग्रेजी और गणित का ही है। यहाँ पे भी हम आंकड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल जो सीट होते हैं तीन विषय छोड़ के, तीन विषय का रिजल्ट नहीं आया, कौन कौन से विषय हैं वो है आपका विज्ञान और है आपका संस्कृत और उर्दू, इन विषय को अगर छोड़ के देखा जाए तो टोटल जो सीट है वो है 18162, जिसमें रिजल्ट हुआ है आपका 16068 का, ये लगभग मेरे ख्याल से 2092 के करीब में हो रहा है, 2092 जो जो माइनस करके 2092 है वो आपके गणित गणित और अंग्रेजी के कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अंग्रेजी में भी अच्छा खासा सीट था, 5054 सीट थे, और गणित हाँ कैंडिडेट ज्यादा नहीं थे, और गणित का जो भी है 5054 है, लेकिन शिफ्ट जो था बहुत टफ था जिसके कारण इसमें ज्यादा क्वालिफाई नहीं है, सामाजिक विज्ञान में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी है, वो शिफ्ट ज्यादा क्वालिफाई कर गए, आप देखिए अब 10 और 11 तारीख वाले बच्चों का ज्यादा रिजल्ट हुआ है, ज्यादा रिजल्ट हुआ, बिल्कुल सही, 14 तारीख वाला ज्यादा माइनस में गया, ऐसा है क्या, 14 तारीख वाला माइनस में चले गए, कारण है कि 14 तारीख का इजी शिफ्ट था, आपका शिफ्ट इजी है और आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, आपके इजी शिफ्ट के एवरेज स्कोर से कम आ रहा है, तो कम आने पे उन्हें नुकसान हो गया उन लोग का, यानी जो आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर है उससे आपको बेहतर करना है, उससे अगर आप बेहतर करिएगा तभी आपका परसेंटाइल जो है वो कटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा कम से कम होगा, अगर आप ज्यादा कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका मार्क्स नेगेटिव में जाएगा, चलिए आशा तो एक चीज ये बताइए सर, नेगेटिव मार्क्स वो फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं ना, जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव में चला गया, आएगा कि आप अप्लाई करिए और कहाँ कहाँ आप डालना चाहते हैं, रमेश जी वहाँ हम चलेंगे, अभी हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं, पेपर वन का हमने मुद्दा रख दिया, पेपर वन में एक चीज क्लियर हुआ कि 2092 जो है वो गणित अंग्रेजी और गणित से संबंधित है, अब यहाँ पेपर टू की भी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, पेपर टू जो है वो आपका देखा जाए तो टोटल जो सीट है वो लगभग 12000 समथिंग था, 12170 लगभग था, अगर मैथिली को भी जोड़ा जाए तो मैथिली का लगभग सीट 105 था, तो देखा जाए 12065 था सर, हाँ तो उसमें मैथिली भी जुटी 12065 था, फिर मैथिली भी जुटा है, मैथिली उस समय नहीं था, बाद में ऐड हुआ है, मेरे ख्याल से मैथिली का 105 सीट था, तो ये 12000 समथिंग समझिए, 12000 समथिंग था, उसमें जो रिजल्ट आया है वो है आपका 8501 थी जी, तो ये 3500 का जो गैपिंग है ये किस सब्जेक्ट में हो सकता है, देखिए या ऐसा भी है क्या कि अतिथि शिक्षकों के लिए ये रिक्त रख दिया गया, ऐसा कुछ है क्या, इसमें भी मुझे लग रहा है ना कि अंग्रेजी वही होगा, इसमें भी अंग्रेजी और मैथ और यही सब्जेक्ट हो सकता है, साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स वगैरह ये सब जी, तो इसमें इसी का और इसका पेपर टू के है जो आप बता रहे हैं 2000 कुछ जो है, और पेपर वन का यही टोटल 5000 सीट जो है अभी रिक्त है, रिजल्ट देने के बाद भी 5000 तक सीट अभी रिक्त बचा है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, पेपर टू में जो कंप्यूटर साइंस है 1673 सीट था, ये तो फुल हुआ होगा निश्चित, कंपनी में था 1673, लेकिन आपको हम बता दें कि बाद में कंप्यूटर साइंस में 1000 सीट बढ़ाया गया है और एग्जाम इसी में लेके जोड़ा गया है, ये उसका लेटर मैंने पोस्ट किया है आप फेसबुक पे, आप देखे होंगे वही लेटर है जिसमें ये क्लियर किया गया है, जिसमें विभाग जो है लिख रहा है बोर्ड को 1000 कंप्यूटर में सीट बढ़ा के स्टेट में लीजिए
और साथ ही साथ जितने सीट हैं हर विषय के उतना ही रिजल्ट आपको कॉपीज करना है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस का ये 1000 जो बाद में सृजित हुआ है सीट, उसको ऐड किया गया है? जोड़ा है, हाँ बिल्कुल जोड़ा गया है सीट। यानी ये 2673 हो गए हैं? हाँ बिल्कुल 2673 हो गए, भले ही अब नहीं दिखा रहा होगा वहाँ विज्ञप्ति में जो भी, लेकिन आधुनिक अब देखिएगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत बच्चे थे, अब देख रहे हैं आप कंप्यूटर साइंस में 40,000 तक थे सर, 41,000 समथिंग टोटल अभ्यर्थी थे, उसमें जो भी अपीयरिंग हुए हैं 75 सुपर वाले को क्वालिफाई दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 1000 सीट जुटा है देखो निश्चित रूप से। अच्छा, तो इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस आपका जो भी सीट है वो फुल हुआ होगा, और वनस्पति शास्त्र मात्र 835 था, भी जितना सीट है उतना रिजल्ट आया होगा। प्राणी शास्त्र भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, वनस्पति शास्त्र प्राणी शास्त्र ये सब साइंस सब्जेक्ट जितने हैं ना आपको साइंस नहीं, कुछ सीट यहाँ पे कम है, 835 यहाँ पे सीट कम है, 835 वनस्पति शास्त्र में और प्राणी शास्त्र में 723 है, लेकिन 835 लोग क्वालिफाई तो नहीं कर पाएगा आपको बता रहे हैं ना हम, ऐसा तो मैं हम लोग देख रहे हैं 2011 में भी जो एग्जाम हो तो भी पार्टनर पता कर लीजिए पूरा सीट जितना था उतना हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। हर विषय से कुछ ना कुछ सीट खाली छूटा हो, पार्टिकुलर सीट को आप नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पार्टिकुलर सीट ही खाली रहा होगा, यानी कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सब सीट में देखा जाए तो कुछ सीट को छोड़ के बाकी सब में आपको सीट कुछ ना कुछ खाली रहा होगा, और ये आज ना कल जब डेटा आएगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी ज्यादा चांसेस आप रखिएगा गणित और मैथ का ही, गणित मतलब साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट रसायन भी है फिजिक्स भी गणित सीट ज्यादा है, तो सीट ज्यादा आपको किसमें था, फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, मैथ में था और इंग्लिश में था, तो उसी में ज्यादा वैकेंट होगा, ज्यादा चांसेस इंग्लिश में है सर, और ना कल जो पूरा डेटा जब आएगा तो देख लीजिएगा क्या ठीक तो मैं कर रहा हूँ। जैसे फिजिक्स में भी देखा जाएगा 2384 था और जो अपीयर हुए थे वो भी मेरे ख्याल से 3000 समथिंग थे, कोई 1-2000 का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है इसमें भी सीट खाली होने की संभावना है। तो ये एक उदाहरण था, देखा जाए तो पेपर टू में भी जो साइंस सब्जेक्ट है या अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें जो भी सीट है वो आपका वैकेंट हो सकते हैं, और पेपर वन में देखा जाए तो अंग्रेजी और गणित के हो सकते हैं, ये बिना आरटीआई आए हुए सब्जेक्ट वाइज क्लियर नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आया है। अच्छा, यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग इसमें देखा जाए तो ये तो प्रोसेस हुआ कि किस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ। अच्छा, एक प्रश्न और जनरल प्रश्न है बच्चों का, अभ्यर्थियों का है कि हम पास हो गए हैं तो सर क्या होगा, हम क्वालिफाइड मेरा दिखा रहा है जब स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरा क्वालिफाइड दिखा रहा है। ये तो देखिए ये स्टेट जो हुआ था ये डिफरेंट स्टेट है बाकी पुराने स्टेट से या टीटी से, इसका मतलब सिर्फ ये था ना, ये तो देखिए ये स्टेट जो हुआ था ये डिफरेंट स्टेट है बाकी पुराने स्टेट से या टीटी से, इसका मतलब सिर्फ ये था ना, पहले क्या पता है मिनिमम क्वालिफाइंग लोग जितने मार्क्स लाए सबको सर्टिफिकेट बांट दिया कि आप क्वालिफाई करेगा टीएटी, और इस स्टेट में सिर्फ इतना ही हुआ है कि जो जितना सीट है जिस कैटेगरी में जितना रिक्ति है जो फ्यूचर पर भरी जानी है उतना रिक्त को ही पास करना है, ये देखा इसमें होगा मिनिमम तो लेना मास्टर सबके लिए ना, अब आगे प्रक्रिया क्या होगी, सरकार कितना जल्दी से बहाली करने के मोड में है, ऑनलाइन तरीके से करेगी कि ऑफलाइन तरीके से करेगी, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक चीज तो है कि सरकार की जरूरतें जो है वो बहुत ज्यादा है हाई स्कूल में टीचरों की, इसलिए वो चाहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करे कि जल्दी से जल्दी सीट को फुलफिल किया जाए। तो एक चीज ये बताइए कि ये जो बात हो रहा था जो शिक्षा मंत्री जो है कल बता रहे थे कि छठे चरण की बाद से फिर ये सातवें चरण का रिजल्ट है, ये सातवें चरण की बहाली तब होगी, तो क्या इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है क्या छठे चरण में? उस समय क्या होता था कि सीट जितना है और रिजल्ट बहुत लोग का पब्लिश था, इस बार तो सीट कम ही सीट है, दूसरा बात नियोजन निकाय भी आपका लिमिटेड है, मान लीजिए हर जिला में आपको मुश्किल से 5-10 नियोजन निकाय है, यानी अगर आप 300-400 फॉर्म अगर भर देते हैं प्रत्येक जिला है तो समझिए कि पूरा नियोजन निकाय आपका पॉपअप हो जाएगा जी। तो अब ये सरकार कैसे करती है, जिला वाइज अलॉटमेंट करती है सीट का कि फिर नियोजन निकाय की तरह दोहराती है मनवाने के लिए, क्या करती है ये तो भविष्य के गर्त में है, अब इसके बारे में हम लोग अगले सप्ताह में विभाग से संपर्क करेंगे, देखते हैं विभाग की तरफ से क्या फीडबैक मिलता है, हम लोग इसमें क्या विभाग सोच रहा है, अभी थोड़ा सा रिजल्ट आया है, अब देख ही रहे हैं कि रिजल्ट के लिए हम लोग कितना
प्रयास किए, थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन फील हो रहा है कि रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे अभ्यर्थी जो प्रश्न पूछे थे उसका आंसर क्लियर नहीं हो सका है। जैसे उन्होंने पूछा था कि जिनका भी क्वालिफाइड लिख रहा है वो सेफ मोड में है। क्वालिफाइड लिखने का मतलब ही है कि आप सेफ मोड में है, यानी जितना सीट है उसमें आप क्वालिफाइंग कर रहे हैं। बस यही पूछना था कि अगर कुछ लोग ये कर रहे हैं कि नहीं हर विषय में ज्यादा नंबर, वो किसी विषय में ज्यादा दे दिए हैं या किसी विषय में कम हो गया है, तो ज्यादा वो तो देंगे नहीं, तो स्पष्ट है क्योंकि पहले से भी विज्ञप्ति में ये चीज है कि इतना सीट देना है आपको, जितना सीट है उतना रिजल्ट देना है, पहले से ही ऑलरेडी है जी। ज्यादा कम वो लग रहा है इसलिए ना उन लोग को, चूंकि 75 नंबर पे क्वालिफाइंग देख रहे हैं, सोशल साइंस का सोच रहे हैं, तब लोग क्या कि 75 नंबर कैसे हो गया। तो कारण ये है कि 75 होने का, कि भाई जो 75 सीट है वो तो घट के 30-40 चले गए, निगेटिव मार्किंग हो गया ना उनका, उनका मार्क घट चुका है, इसलिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ज्यादा क्वालिफाई कर रहे थे वो कर नहीं पाए, जो हम लोग सोचे हुए थे, और कट ऑफ आपका एकदम लोएस्ट चला गया, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। अच्छा, एक और प्रश्न कि कुछ बच्चों का ऐसा है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, जैसे अंग्रेजी का एक भी सब्जेक्ट का हमने देखा है, खुद चेक भी हमने किया है और कारण हमें नहीं पता, उनका स्कोर कार्ड दिखाई नहीं रहा, बगल में जो ऑप्शन बनता है स्कोर कार्ड का वो नहीं दिख रहा। एक बटनिया जियोलॉजी किसी सब्जेक्ट का था, उनका भी स्कोर कार्ड बगल में नहीं दिखा रहा था, कारण क्या हो सकता है? ये टेक्निकल एरर हो सकता है या मे बी हो सकता है कि उस टाइम जो एग्जाम दे रहे होंगे उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा फाइनल सबमिशन करने में वगैरह, ऐसे नॉर्मली तो फाइनल सबमिशन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्या अब एग्जैक्ट करना कुछ मुश्किल है, वो उसके लिए तो बोर्ड से संपर्क करना चाहिए, बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। अगर आपका याद क्लियर मैं कर देता हूँ, अगर आपका विज्ञान संस्कृत और उर्दू विषय नहीं है, इन लोगों का स्कोर कार्ड नहीं आया है, इन लोगों को देखने को भी नहीं मिला होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको विधाक मतलब जो भी बोर्ड है उसे संपर्क करना चाहिए, अगर आपने एग्जाम दिया हो सब कुछ अच्छे तरीके से आउट हुआ था उस पे मेल करने वाला, तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ पे रिप्लाई वगैरह भी नहीं आ रहा विज्ञापन में जो है वो, हेल्पलाइन डेस्क करके कुछ है, हमको मिलता है तो आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा और प्रश्न बढ़ाते हैं, जैसे में कुछ अभ्यर्थी जो हैं EWS वाले और जो महिला है वो खासा नाराज है, EWS का क्या कहना है? EWS वाले कह रहे हैं कि हम लोग को मतलब 75 मार्क्स आएगा तभी क्वालिफाई किया गया है, जबकि सभी रिजर्व कोटा को मतलब उन लोगों का 45% पे किया गया है, तो हम लोग को मतलब क्यों पास कराया जा रहा है 50% पे? महिला का भी, जो जनरल महिलाएं हैं, जो जनरल महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है। EWS का जो आरक्षण है ना, EWS का आरक्षण आप देखे होंगे, सीटेट में भी इस तरह का डिमांड हुआ था, केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पात्रता परीक्षा में इस तरह की कोई आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरा बात ये है कि EWS क्या है, बस एक सीट जितना है उसमें आपको मिलेगा कि आपको उतना सीट केवल जनरल कैंडिडेट जो EWS के होंगे उनको पाया जाएगा, उसमें और कैटेगरी के लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो सीट बना हुआ है, लेकिन क्वालिफाइंग तो आपका 50 ही रहेगा, जितना है 50% लाने का उतना ही रहेगा आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जितने भी हैं आपको, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, महिलाएं हो, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हो, सबके लिए 45% चाहिए, पहले से ही बोर्ड के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ रुकेंगे, महिला पे आपने कहा 45%, जब विज्ञापन आप देखेंगे तो महिला वहाँ शब्द नहीं लिखा हुआ है। नहीं, महिला शब्द लिखा हुआ है, आप जाके एक बार विज्ञापन को फिर से पढ़िए, मेरे पास विज्ञापन है, स्पष्ट तरीके से हम आपको दिखा देंगे। आपके पास विज्ञापन है तो आप विज्ञापन में पॉइंट नंबर ई पढ़िएगा जरा, पॉइंट नंबर 14 जो दिया होगा, 14 में पॉइंट नंबर ई पढ़िएगा, पॉइंट नंबर ई में पढ़िए, आप क्या लिखा है? लिखा है उत्तीर्णता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, अनुसूचित जाति। ये हम आपको बता दें कि 14 से संबंधित है, हम ये बता दें आपको क्लियर कट कि ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा से संबंधित है, ऊपर जब हम चलेंगे के लिए एक ही था ना, ये कुछ ऐसा कुछ तो नहीं स्पेशल नहीं था, शारीरिक शिक्षक वालों के लिए कुछ, उनके लिए स्पेशल कुछ होगा उसमें।